सीआरपीएफ थाना नागपुर द्वारा अवैध शराब की तस्करी में शामिल एक अपराधी का पुलिस ने दिल्ली से आंध्र प्रदेश जा रही ट्रेन में पता लगाकर उसे गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक सोमवार 27 फरवरी को निरीक्षक आरपीएफ नागपुर के मार्गदर्शन में एसएस मडावी, बीडी अहिरवार, देवेंद्र पाटिल, नीरज कुमार, मुनीश गौतम उक्त ट्रेन के S4 कोच में एक संदिग्ध व्यक्ति 2 बैग के साथ पाया गया और उसे हिरासत में लिया गया और आगे की पूछताछ के लिए आरपीएफ पोस्ट नागपुर लाया गया। थाना प्रभारी RL मीना की उपस्थिति में उप निरीक्षक मडावी द्वारा पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपी ने अपना नाम पेड़ी वेंकटा कृष्णा रेड्डी उम्र 40 बताया, जो कि आंध्र प्रदेश के नेल्लोर का निवासी है। पूछने पर उसने बताया कि वह किसी ठेकेदार के पास काम कर रहा है और दिल्ली से नेल्लोर लौट रहा है। अपने बैग में सामग्री के बारे में आगे पूछताछ की शुरू में आरोपी झिझक रहा था, लेकिन बाद में आरोपी ने स्वेच्छा से बैग खोला और अपनी सामग्री दिखाई। बैग में अलग अलग ब्रांड की शराब की बोतलें थीं। उक्त शराब को ट्रेन से ले जाने का कोई दस्तावेज उसके पास नहीं था, इसलिए आगे की कार्रवाई के लिए राज्य के आबकारी अधिकारियों को सूचित किया गया। तदनुसार राज्य आबकारी निरीक्षक आरपीएफ कार्यालय नागपुर में उपस्थित हुए। शराब की अलग अलग ब्रांड की कुल 37 बोतलें, जिनका कुल 65,500 रुपए है। चूंकि यह शराब के अवैध परिवहन का एक संदिग्ध मामला है, इसलिए आरोपी को आगे की जांच के लिए राज्य आबकारी प्राधिकरण को सौंप दिया गया है, जहां उसके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पिछले कुछ समय से श्रीमान वरिष्ठ मंडल श्री आशुतोष पांडे साहब ने निर्देश दिया गया था कि नागपुर स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों को थोड़ा जांच करें कि दारू की तस्करी होने की संभावना है। इसी बेस पे स्टेशन पे गुजरने वाली गाड़ियों को चेक किया जा रहा था, तो चेकिंग के दौरान दिनांक 27/2/2023 को समय लगभग 10 बजे के आसपास ट्रेन नंबर 16032 अनवान एक्सप्रेस, जो दिल्ली से अनवान की तरफ जाती है मदुरई के लिए, उस गाड़ी को चेक करते समय S4 कोच में एक व्यक्ति 2 भारी बैग के साथ यात्रा करता हुआ संदिग्ध नजर आया, जिसको ड्यूटी स्टाफ ने चेक करके पूछताछ करने पर उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया और बैग के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसलिए बाद में गहनता से पूछने पर उसने बताया कि इसमें शराब है, तो उसे इतनी भारी मात्रा में शराब ले जाने के बारे में पूछने पर कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका, इसलिए उसको अग्रिम कार्यवाही तो RPF थाना नागपुर में लेके आए। CCTV रूम के अंदर उसको लेकर उसके बैग को ओपन किया गया, जिसमें उसने अपने बैग में 37 नग अलग अलग ब्रांड की बोतलें दिखाई, जिसकी बाज़ार के अनुसार अनुमानित कीमत 66,500 रुपये आकी गई, जिसको अगली कार्रवाई हेतु आबकारी विभाग नागपुर को सुपुर्द किया गया, जहां उसके खिलाफ मामला पंजीकृत करके जांच जारी है। नहीं, इस सेम आरोपी से पूछताछ में तो कुछ ऐसा नहीं बताया, लेकिन वो बता रहा था कि मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर के अधीन काम करता हूं, तो ले जा रहा था दारू वहां से, सस्ती मिल रही थी ऐसा करके वो ले जा रहा था, लेकिन जहां तक प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा है कि शायद वो दारू का व्यापार करता होगा, लेकिन इसकी जाँच अभी आबकारी विभाग द्वारा जारी है। हाँ, आबकारी विभाग द्वारा हिरासत में लिया गया है। और इससे पहले भी एक घटना दिनांक 24 तारीख को सेम ट्रेन में जनरल कोच से उस दिन भी 55 बोतल दारू पकड़ी गई थी, जिसकी भी अनुमानित कीमत वही 17,000 के समथिंग थी, उनको भी आबकारी विभाग को सुपुर्द किया गया है। इस तरह से दिल्ली साइड से आंध्र साइड में दारू की सप्लाई होने की जानकारी मिली है। नहीं, उसके लिए एक संगीन अभियान चलाकर उस गाड़ियों सभी गाड़ियों को चेक कराई जा रही है, और गाड़ी में स्कोटिंग स्टाफ भी जाता है, उनको भी निर्देश दिया गया है, प्लस स्टेशन पे जो ड्यूटी स्टाफ तैनात है उनको भी जानकारी दी गई है कि इस प्रकार की कोई अवैध गतिविधि मिलती है तो उस पर निगरानी रख के प्रॉपर कार्रवाई करने के लिए उनको ले पकड़े। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षय अंसारी, BCN न्यूज़ नागपुर।